अंजू अग्रवाल, आप सभी का अंजू के किचन घर में स्वागत है। सर्दी का मौसम है और इसमें गरम गरम स्टफ पराठा सुबह के नाश्ते में खाने में बहुत अच्छा लगता है। आज मैं गोभी के ही स्टफ पराठे आपके साथ शेयर करूंगी। इसके बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो आइए हम देखते हैं। ये मैंने 250 ग्राम गोभी लिया है जिसे मैंने चॉप्ड कर लिया है। गोभी की ही कुछ ताज़ी पत्तियाँ हैं, इसे भी मैंने चॉप्ड कर लिया है, इसे भी इसमें मिट डाल देंगे। ये मैंने 3/4 स्पून अजवाइन लिया है, इसे हाथ से क्रश करके डाल देंगे। ये 3/4 स्पून कलौंजी के दाने, इसे भी डाल देंगे। ये एक चॉप्ड हरी मिर्च, ये थोड़ी तीखी वाली लाल मिर्च है, इसे आप अपने इच्छानुसार डाल सकते हैं। ये थोड़ा हल्दी, इससे कलर रोटी का अच्छा, चपाती का कलर अच्छा आएगा। ये नमक लिया है मैंने, इसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेंगे। ये धनिया पत्ता, अब इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारी बनके तैयार है। आटा का मैंने सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। अब हाथ में थोड़ा कुकिंग ऑयल लेकर आटे को चिकना कर लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब इन आटों के मैं लोई तोड़ूंगी। ये मैंने लोई के पेड़े बना लिए, अब इसे हाथ से दबाऊंगी। थोड़ा हाथ से आप इसी तरह भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं मसाले को भरूंगी और इसे धीरे धीरे दबाते हुए इसके मुंह को बंद कर दूंगी। इसे पहले थोड़ा हाथ से दबा दूंगी और सूखे आटे को लेऊंगी और इसे बेलन से धीरे धीरे बेलूंगी। स्टफ रोटी मैंने बेल लिया है। तवा हमारा गर्म हो गया है, इस पर कुकिंग ऑयल डालकर इसे चिकना कर लेंगे। अब इस पर इस गोभी के स्टफ पराठे को मैं डालूंगी। अब इसे पलट देंगे और इस साइड से भी सिकने देंगे। अब इस पर रिफाइंड कुकिंग ऑयल या घी आप कुछ भी लगा सकते हैं, इसे हम लगाएंगे और फिर पलट कर इस साइड भी लगा देंगे। दोनों साइड से लगा देंगे और धीमी फ्लेम पे करारे होने तक लाल लाल सेकना है। पराठा हमारा बन के तैयार है, अब इसे सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। गोभी का स्वादिष्ट और करारा पराठा बन के तैयार है। फ्रेंड्स, आपको हमारा ये स्टफ पराठा कैसा लगा, प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू।